को जैक्सान साथियों, आज 14 मई है और दिन है रविवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, और खास करके रविवार के दिन जो है अपने चर्चा करते हैं कि अगले सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है उसके अंदर कैसे फसल भाव रह सकते हैं, और साथ ही साथ जो पिछले सप्ताह में भाव रहे हैं उनके ऊपर अपने विश्लेषण करते हैं साथियों। सरसों के ऊपर एक दो खबरें हैं, चर्चा उनके ऊपर करेंगे साथियों, और क्या माहौल रह सकता है अगले सप्ताह में सरसों का, कितनी आवकों तक कितना जो है भाव ऊपर नीचे हो सकता है, चर्चा इसके ऊपर करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे साथ ही साथ ग्वार के अंदर आगे चल के क्या जो है माहौल बन सकता है, और साथ में गेहूं और चने में जो थोड़ा सा सुधार का एक प्लेटफॉर्म बना है चर्चा उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। तो मेरा निवेदन भाई सबसे कि एक एक शेयर कर देना वीडियो का, और आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल जो है आज पूछ सकते हो। रमेश कुदारा जी ने धन्यवाद वीडियो को शेयर कर दिया, जो जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई उनका ही नाम बोलूंगा सिर्फ, और उनका सवाल भी जो है लेता रहूंगा। तो सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। देखिए पिछले सप्ताह में काफी अप और डाउन हुआ सरसों के अंदर, हालांकि रविवार को स्पष्ट बताया था कि एक दो दिन की तेजी के बाद बड़ा ब्रेक लगेगा, बड़ी जो है भाव के अंदर जो है गिरावट आ सकती है, वही हुआ। लगभग लगभग 300 रुपए के भाव जो है पिछले सप्ताह साथियों टूटे हैं। हालांकि कल शाम होते होते एक थोड़ा सा नैरेटिव ठीक लगा कि 25 रुपए की तेजी, कुछ जो बड़े प्लांट है 20 से 25 रुपए की तेजी उनके अंदर देखने को मिली। आप ये कह सकते हो कि गिरावट रुक गई थी कल शाम को, हालांकि तेजी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। आपके सप्ताह के शुरू में लगभग 9.25 लाख कट्टे की थी, जो कि कल शनिवार आते आते लगभग 7.5 लाख, सवा सात लाख कट्टे की आवक रह गई, जो कि एक अच्छा साइन है, जो कि अच्छी चीज है। रहमत अली जी शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर किया। तो एक साथियों आप सबको जो जानकारी और देना चाहता हूं कि जब 9 लाख कट्टे की आवक थी तब भाव जो है सुधार की ओर बढ़े थे, लेकिन जैसे कैसे आवकें भी घटती गई और भाव भी साथ साथ रुकते गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बहुत ज्यादा जरूरत जो है सरसों के तेल की कोई बहुत ज्यादा मारामारी जो है वो नहीं है। जी गुदारा जी बिल्कुल, सारण साहब आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर की है। तो बात करें साथियों अब अगले सप्ताह क्या हो सकता है। एक तो आवकों का जो दौर है, क्योंकि मौसम अभी साफ बता रहे हैं, काफी गर्मी थी पीछे 2 दिनों में, और आज थोड़ा सा मौसम ने जो है करवट बदली है, लेकिन भी बहुत ज्यादा बारिश वाला तो प्रोग्राम अभी नहीं लग रहा है। अगर मौसम साफ रहता है और आवकें जो है 7 लाख तक, 7.5 लाख तक, लास्ट 8 लाख तक स्थिर रहती हैं, तो फिर तो सरसों के भाव के अंदर और गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर आवकें 9 लाख 10 लाख की ओर बढ़ती हैं तो फिर थोड़ा सा एक दबाव जो है बन सकता है सरसों के भाव के अंदर, और बन सकता है 20 25 50 रुपए की गिरावट जो है और देखने को मिल सकती है। हालांकि अब जो भाव है यहां से कोई बहुत बड़ा 200 300 वाली गिरावट नहीं लग रही कि ऐसा कुछ साथियों बनेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। 200 300 की गिरावट यहां से नहीं बनेगी। रिकवरी जो है उसकी बात करें तो आवकों के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, और एक अभी फिर आज जो ऑयल एसोसिएशन के लोग हैं इन्होंने शायद आज फिर सरकार के साथ शाम को की मीटिंग इनकी प्लान थी, आज है या कल है, तो फिर ये कहना चाह रहे हैं कि शायद जो है बाहर से आने वाले तेल के ऊपर टैक्स लग जाए। अगर वो टैक्स लगता है तो फिर जो है एक थोड़ा सा माहौल ठीक बन सकता है, अदरवाइज नहीं लगता कि सरसों में कोई भी तेजी का और सोर्स कोई नजर आ रहा है, कहीं से भी कोई तेजी की जो है कोई उम्मीद नहीं लग रही सरसों के अंदर। मोहन जी सोकल साहब धन्यवाद आपका, बलविंदर सिंह जी संधु साहब धन्यवाद आपका भी, आपने वीडियो को शेयर किया है। सारे भाई एक एक शेयर कर दें, और आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो बात करें साथियों अगले सप्ताह के शुरू से लेकर लास्ट तक तेजी नाम का शब्द जो है सरसों में मुश्किल लग रहा है। रिकवरी कहीं भी जिधरी आपके मान लो रुक गई वहां से एक रिकवरी का दौर हो सकता है 100 50 रुपए का, गिरावट में भी इतना ही कोई 25 50 रुपए की गिरावट और आ सकती है, इससे ज्यादा गिरावट अब नहीं आनी चाहिए। कंडीशन की जो सरसों है उसकी अलग बात है, वो कंडीशन की सरसों तो देखिए अब किसी की लैब 36 है 34 है तो उसका तो भाव अलग अलग भाव है, 42 लैब का जो भाव है वो अलग है। तो सरसों में ओवरऑल यही है साथियों,
ना तो बहुत बड़ी तेजी ना बहुत बड़ी गिरावट, अगले सप्ताह में सुधार हुआ तो 100-150 के बारे में, 100-150 रुपए तक होगा, गिरावट आई तो 25-30-50 रुपए की आएगी, इससे ज्यादा सरसों के अंदर और कुछ नहीं है। कॉटन के बारे में बारीक सी बात करेंगे, अभी बात करते हैं। देखिए कॉटन की बात करें, पहले चर्चा कॉटन की करते हैं फिर ग्वार की चर्चा करेंगे। कॉटन की बात करें साथियों तो कॉटन के अंदर तेजी बिल्कुल बहुत कम चांस, कोई 10-20% आप कह सकते हो, 10% ही कह सकते हो, अदरवाइज कॉटन में यहां से अब तेजी बनना मुश्किल लग रहा है। सुधार हुआ भी तो कोई 100-150-150 का सुधार हो सकता है, इससे ऊपर सुधार नहीं हो सकता। पूरी साहब जौ के बारे में भी बताएंगे। तो कॉटन में यही है साथियों कि कॉटन के अंदर भी तेजी अब यहां से नहीं बढ़ेगी। अगले सीजन के कॉटन के भाव कैसे रह सकते हैं इसका विश्लेषण एक साथी पूछ रहे हैं, वो अपने लगभग 6 महीने में जाके एक वीडियो डालते होते हैं, उस टाइम वो वीडियो डालेंगे। अभी उसका कोई जो है आइडिया नहीं, क्योंकि अभी तो उत्पादन का भी अपने पास जो है कोई आइडिया नहीं है। पूरी सब जौ का पूछ रहे हैं, जौ में कोई तेजी नहीं है भाई, जौ के अंदर भी अगले सप्ताह बिल्कुल सुस्ती रहेगी, जौ की भी बहुत ज्यादा डिमांड जो है नहीं है। और आज के भाव की बात कर रहे हैं रवि जी, आज रविवार था, आज कोई सौदे ज्यादा हुए नहीं है। मौसम की जानकारी तो भाई भगवान को ही पता है असल में, लेकिन ठीक लग रहा है, थोड़ी सी गर्मी कम होगी आने वाले 2-4 दिनों के बाद, लेकिन एक बार तो पूरी जो है तपती हुई गर्मी है। नरमे के बारे में बता दिया जी, और किसी साथी का सवाल जरूर पूछ ले, और उसके बाद चर्चा करें साथियों ग्वार की। ग्वार के बारे में बात करें तो ग्वार एक ऐसी फसल है जिसके अंदर अगले सप्ताह भी उठापटक हो सकती है, 20-50-100-150-200 तेज भी हो सकता है, स्टेबल भी रह सकता है। गिरावट ग्वार में यहां से दिखाई नहीं दे रही है, जो नीचे का लोवेस्ट लगा है ग्वार का, जो लो लग गया नीचे, जो जितना नीचे जाके आएगा ग्वार, वहां से नीचे ग्वार नहीं जाएगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। मानसून के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ग्वार का बीजान आगे कितना रहता है, कैसा रहता है, और उस सब पे भी काफी डिपेंड करेगा। लेकिन ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा भय वाली बात नहीं है, डर वाली बात नहीं है, जहां है वहीं खड़ा है, आगे चलने को है, पीछे जाने को नहीं लग रहा कि अगले सप्ताह कोई ग्वार साथियों जाएगा। तो ग्वार एक स्ट्रांग कमोडिटी है, ग्वार एक मजबूत फसल है अगले सप्ताह के लिए, उठापटक इसके भाव के अंदर जो है हो सकती है। प्रमोद जी थालोर साहब धन्यवाद आपने वीडियो को शेयर किया। मुकाम में बारिश बहुत हुई है, आज हुई क्या जानी जी, हो सकता है उस साइड काफी अच्छा बादल था जो है बरसात हुई हो। तो बात करें साथियों, एक साथी जीरे के बारे में पूछ रहे हैं, भाई जीरे की जानकारी आज मेरे पास नहीं है, लेकिन जीरे के अंदर बहुत तेजी नहीं है। गेहूं की बात करें विजयपाल जी, बिल्कुल गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं के अंदर भी अगले सप्ताह कोई तेजी नहीं है। ये है कि आप देख लो कि जैसे कि पिछले सप्ताह लगभग 50-60 रुपए का सुधार हुआ है, तो ये सुधार हो सकता है 1482 का भाव 2200-2250 भी बिक गया बता रहे हैं तो। और अदरवाइज जो दूसरी जो वैरायटी है उनके भाव के अंदर मुश्किल है, क्योंकि ये इडेबल है अपने जो 1482 हो गई, 2851 होगी, इनके भाव में थोड़ा बहुत हिलजुल हो सकती है, अदरवाइज नहीं लगता कि कोई तेजी जो है आगे दिखे। मूंग के बारे में एक साथी पूछ रहे हैं, मूंग में कोई तेजी नहीं है भाई, मूंग के अंदर कोई भी तेजी अगले सप्ताह आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ चने के बारे में एक भाई पूछ रहे हैं, देखिए चने के लेगा जी बढ़िया हाल आप बताएं चने के बारे में। देखिए चना जो था इस जो बीता सप्ताह है इसके लास्ट में जाके थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर गया था, और चने में उम्मीद बन रही है। देखिए दालें जो भी हैं उनके अंदर मूंग को छोड़ करके थोड़ा सा सुधार बनना चाहिए, चना मजबूत हुआ है। लेकिन अगर अपने ये सोचें कि एक दिन से मान लो कि बड़ी तेजी हो जाए तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चने के अंदर भी सुधार की थोड़ी बहुत जो है गुंजाइश है, कोई 20-30-50-100 रुपए की गुंजाइश अभी चने के अंदर बनती साथियों लग रही है। राजीव बिश्नोई जी राम राम भाई साहब धन्यवाद आपने वीडियो को शेयर किया। जो जो भाई शेयर कर रहे हैं भाई सबका मैं कोशिश कर रहा हूं सवाल भी लेने का और नाम भी बोलने का। सरसों के बारदाने की बात कर रहे हैं राजेंद्र बिश्नोई जी, काफी सेंटरों के ऊपर जो सरकारी खरीद है वहां पर जो है सरसों का बारदाना नहीं आ रहा, जिसको अपने सरकारी कट्टे बोलते हैं वो नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे लगभग कल, मैं बात करके आपको उसकी कंडीशन में जो है जरूर बताऊंगा। जी विजयपाल जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ग्वार के बारे में बता दिया भाई साहब सिद्धू साहब, ग्वार के बारे में बता दिया, अगर आप लेट हो गए तो यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी 9 बजे के बाद देख लेना। जीएस जी प्रवाल साहब कह रहे हैं पुरानी सरसों का, पुरानी सरसों तेजी नहीं है भाई साहब, सरसों के अंदर तेजी नहीं लग रही है, सरसों मैंने शुरू में बता दिया सुथार जी, सरसों में कोई तेजी नहीं है, कोई बड़ी तेजी सरसों के अंदर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही है कि
200 बढ़ गई, प्लांटों में 400-500 बढ़ जाती है। पिछली अभी पिछले कुछ दिनों में देखा था कि प्लांटों में 500 रुपए भाव बढ़ गए थे, लेकिन बाजारों के अंदर तो वही कहानी है। हमें तो बाजारों से मतलब होना चाहिए, हमें प्लांटों से क्या लेना। तो प्लांटों में कोई सुधार नहीं था, कि 20-30-50-100 रुपए का सुधार हो गया था 500 के पीछे। अब वहां से भाव 300 टूटे तो यहाँ 150-200 टूट गया, तो उसका तो अपने को नुकसान है। पंजाबी में कहावत है, मन दुद्ध कट्टे नु की पा, भैंस से 40 किलो दूध दे, वो जो बच्चा होता है भैंस का उसको तो उतना ही मिलना है, उसको क्या फायदा। तो अपने को बड़े प्लांटों वाला भी वो ज्यादा वो नहीं है। ग्वार के बारे में बता दिया भाई साहब, नहीं किस्म नहीं बताता मैं विनोद जी, साहू साहब मैं किसी भी फसल की किस्म किसी बीज को कभी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि अपने अपने खेत का हिसाब होता है। आपके खेत की मिट्टी और है, मेरे खेत की और है, किसी और भाई की और है, तो ऐसे किसी का नुकसान करने का फायदा नहीं है। वो आप अपनी जमीन के हिसाब से देखो, खाद और बीज को मैं कभी जो है प्रमोट नहीं करता। अरंडी के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल अरंडी की जानकारी है मेरे पास महेंद्र जी। अरंडी में देखिए अगले सप्ताह तो कोई तेजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चल के थोड़ा बहुत भविष्य में सुधार हो सकता है। गिरावट नहीं है अरंडी में, यहां से कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है। जीरे को क्या ढंग लगे भाई साहब, जीरे के अंदर भी अगले सप्ताह तेजी नहीं है प्रभा राम जी, जीरे के अंदर तेजी नहीं है। कॉटन के बारे में बता दिया भाई साहब, तेजी नहीं है। अमन जी, अमन कुमार जी, अगले सप्ताह अगला जो सप्ताह है वो हमारी फसलों के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एक चने को छोड़ के और एक ग्वार को छोड़ के इन दो बाजारों में हलचल हो सकती है, अदरवाइज कोई मुश्किल लग रहा है किसी भी कमोडिटी के अंदर, किसी भी फसल के अंदर कोई जो है तेजी। बिल्कुल जो भेजना चाहिए मैया जी, जो भेजना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी, बलतेज जी, सत श्री अकाल भाई जी, जय किसान। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल 8:30 बजे, तब तक के लिए अगर किसी साथी से वीडियो रह गई हो तो यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेयर के ऊपर अभी अपलोड करूंगा, तो वहां आप सारे जो है जुड़ सकते हो। साथियों, किसान एकता, जिंदाबाद।